चुनावी मोड में आ चुकी कांग्रेस में लगातार बैठकों और सम्मेलनों का दौर चल रहा है। संभागवार कांग्रेस बैठक कर रही है। बिलासपुर संभागीय सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी संभागों की जानकारी ली है, बाद में विधानसभा स्तर की भी जानकारी लेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि जो 65 पार का नारा दिया था वो हमारे लिए दिया था। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि फौरन काम पर लग जाएं, क्योंकि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को पहुंचने की रणनीति के साथ भेजा गया है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत हमारे साथ मौजूद हैं, बिलासपुर के संभागीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे। सर, संभागीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे और 4 महीने का ही महज समय बचा हुआ है। आपने कहा था कि भूमिका के बारे में सोचूंगा आगे, सोच तो लिया, आ गया मैदान में। और क्या मैदान में आ गया। मतलब क्या सोचा है सर इस बात? मैदान में हूँ। हाँ। साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, सबको जिताएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आपने ये भी कहा था सर कि एक इच्छा जताई थी कि अगर मैं न लड़ूं तो बेटे के बारे में सोचा जाए। ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा था कि मैं ऊपर वाले के निर्देश पर लड़ा था, उनका आदेश है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, फिर चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे सर? और कहाँ? जहाँ मेरी सीट है वहीं से लड़ेंगे सर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं, मैं बार बार सीट नहीं बदलता। तो ये फाइनल है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? इनकम्बेंसी की बात आप कह रहे थे। इनकम्बेंसी की बात अभी कह रहे हो? एंटी इनकम्बेंसी विधायक के खिलाफ होती है, सरकार के खिलाफ होती है, नहीं होती ऐसी तो बातें नहीं है। सीनियर लीडर होने के नाते क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने साथियों? मैं कह रहा हूँ ना कि 4 महीने हैं, अपने साथियों से मिले, जहाँ जहाँ अपने कार्यकर्ताओं के इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाए पूरा करें, और ठीक से आने वाले चुनाव के दिनों तक अपने आप को तैयार करें। मुख्यमंत्री जिस तरह से एक्टिव रहे सर, पूरे समय भेंट मुलाकात के जरिए, या वो एक माइल मतलब रोल मॉडल के तौर पर, आपको लगता है कि उस तरह का रोल मॉडल जो है बाकी लोग नहीं दिखा पा रहे? आप 4 महीने का समय बचा है, आपको लगता ये है कहना अच्छा नहीं लगेगा कुछ लोगों को, इसलिए नहीं कहना चाहते। अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ी बात कही चरणदास महंत ने। उन्होंने हमने जब उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से भेंट मुलाकात के जरिए, यानी कि पहले से वो अलर्ट रहे और एक्टिव रहे, इस तरह का अलर्टनेस जो है बाकी लोगों में नहीं दिखाई देगा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा ये कहना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बात तो उनका कहने का मतलब था यही है। और उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कुछ विधायकों को लेकर चीजें दिखाई दे रही है, ये बड़ा बयान है, और इसको लेकर उन्होंने कहा कि अलर्ट हो जाना चाहिए और अगले 4 महीने जो है मेहनत करनी चाहिए। बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मैं एक बार फिर से सख्ती से चुनाव लड़ूंगा और इसीलिए मैदान में आ गया हूं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मुमताज लांजेवाला, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।